hell was that? अरबी की एक पुरानी कहावत है, आदमी वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से डरता है। तभी तो 4500 से ज्यादा साल गुजर गए, लेकिन गीजा का ग्रेट पिरामिड वक्त की मार झेलते हुए जैसे का तैसा खड़ा है। इतने लंबे समय में वक्त भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में से सिर्फ गीजा का एक महान पिरामिड ही बचा है। बाकी के 6 प्राचीन अजूबे वक्त की मार में कहां गायब हो गए पता ही नहीं चला। जब भी हमें अपनी आधुनिक तकनीक पर घमंड हो तो हमें वक्त में एक बार पीछे मुड़कर गीजा के इस महान पिरामिड को जरूर देखना चाहिए। क्या हमने अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी से ऐसा कुछ बनाया है जो बिना किसी मेंटेनेंस के गीजा के इस महान पिरामिड की तरह 4500 सालों तक वक्त की मार झेल पाए? आइए जानते हैं इस पिरामिड के रहस्य के बारे में। आखिर इतने सालों से ये कैसे धरती पर मौजूद है और इसमें इस्तेमाल होने वाले पत्थर पृथ्वी पर तो कहीं भी मौजूद नहीं है। ऐसे में लोगों का कहना है कि ये एलियंस का घर हो सकता है, पर इस पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो चलिए जानते हैं पिरामिड के रहस्य के बारे में। यूं तो पृथ्वी पर जगह जगह पिरामिड मौजूद है, लेकिन गीजा का पिरामिड ग्रेट रहस्यों से भरा पड़ा है। ग्रेट पिरामिड के रहस्यों ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रखा है और ये प्राचीन काल के 7 अजूबों में से एक है। दरअसल मिस्र में गीजा के कारो शहर के पास 3 पिरामिड का एक समूह है, जिनमें से एक है द ग्रेट पिरामिड। ग्रेट पिरामिड इन तीनों में सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। इसे खुफू का पिरामिड भी बोला जाता है। इन तीनों पिरामिड्स के साथ ही यहाँ पर मौजूद है ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। ये एक मिथिकल क्रिएचर है जिसका सिर इंसान का है और बॉडी शेर की तरह। ऐसा लगता है जैसे ये स्फिंक्स इन तीनों पिरामिड्स की रखवाली कर रहा हो। चलिए अब जानते हैं कि इन विशाल स्ट्रक्चर्स में वो कौन से रहस्य हैं जो हमें परेशान करते हैं। ऊपर की तस्वीर में इस ट्रायंगल को देखिए, ये बिल्कुल पिरामिड के आकार का ही है। इसकी एक साइड इस माइथिकल क्रिएचर यानी स्फिंक्स के सिर से गुजरती है। अगर हम ग्रेट पिरामिड के आधार की आउटलाइन बनाएं और उसको राइट साइड में खिसका के पिरामिड के आधार के एक साइड में अलाइन करें और इस बॉक्स से एक सीधी रेखा मिथिकल क्रिएचर तक खींचें, तो वो भी इस स्फिंक्स के सिर से गुजरती है। अगर ग्रेट पिरामिड और इसके पास मौजूद दूसरे पिरामिड के सेंटर पॉइंटों से गुजरने वाला इस तरह से एक सर्कल खींचे तो वो भी स्फिंक्स के सिर से गुजरती है। क्या ये एक इत्तफाक है या प्राचीन मिस्र वासियों ने ये जानबूझकर बनाया? ग्रेट पिरामिड को अंतरिक्ष में मौजूद नक्षत्र यानी स्टार कॉन्स्टेलेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर ग्रेट पिरामिड के चारों कोणों को देखा जाए तो ये अंतरिक्ष में मौजूद 4 नक्षत्रों को दर्शाते हैं और ये नक्षत्र हैं वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ग्रेट पिरामिड 2 परफेक्ट एक्सिस पर बना है जो पिरामिड से इस तरह से गुजरती है। एक्वेरियस लियो एक्सिस पर स्फिंक्स बना है जो कि सिंह नक्षत्र की ओर है। क्या ये भी एक इत्तफाक है? क्या आपको पता है कि अगर आप वर्ल्ड का मैप लो और उसमें पृथ्वी का सेंटर निकालो तो वो कौन सी जगह होगी? ये एक इत्तफाक है या सोची समझी प्लानिंग, मुझे नहीं पता, लेकिन अर्थ का सेंटर वही है जहाँ गीजा का ग्रेट पिरामिड बना है। अब ये सोचने वाली बात है कि हमें कुछ सदी पहले ही ये पता चला कि पृथ्वी गोल है। उससे पहले तो यही माना जाता था कि पृथ्वी समतल है। तो आखिर 4500 साल पहले प्राचीन मिस्र वासियों को कैसे पता चला पृथ्वी के सेंटर का? क्या उनकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी या इसके पीछे किसी बाहरी सभ्यता का हाथ था? ग्रेट पिरामिड के इत्तफाक यहीं खत्म नहीं होते। पिरामिड को इस तरह से बनाया गया है कि ये चारों दिशाओं को दर्शाता है और इसका एक सिरा नॉर्थ पोल को अलाइन करता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा एरर है, लेकिन वो भी 4500 सालों में पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। आखिर उनको दिशाओं की इतनी सटीक जानकारी कैसे थी? ये तो आपको पता ही होगा कि 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होता है और उस दिन रात सबसे छोटी होती है। 21 जून को जब पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन होता है, उस दिन यहाँ से सूर्य कुछ इस तरह से अस्त होता हुआ दिखता है, जैसे मानो कि सूर्य उस मिथिकल क्रिएचर के पीछे से अस्त हो रहा हो। 1989 में एक थ्योरी पब्लिश हुई थी जिसे ओरियन कोरिलेशन थ्योरी बोलते हैं। आसमान में एक ऑरेंज बेल्ट मौजूद है जिसमें 3 तारे हैं जिनका नाम है अल नाइलेम और मेन टेका। गीजा के ये पिरामिड्स ओरियन बेल्ट में मौजूद इन तीनों तारों से अलाइन करते हैं। और सच में ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि इन पिरामिड्स को इस तरह से क्यों बनाया गया था। क्या इसमें भी किसी दूसरी दुनिया की सभ्यता का हाथ था? प्राचीन मिस्र वासियों के एक गॉड थे ओसिरिस। मिस्र वासियों का मानना था कि ओसिरिस जन्म और मृत्यु के देवता थे जो कि मरने के बाद आत्मा को फिर से नया जन्म देते थे। मिस्र वासियों के अनुसार ओरायन बेल्ट में मौजूद ये तारे उनके भगवान ओसायरस का घर है। खैर जो भी हो, लेकिन ये सब इत्तफाक तो नहीं लगता। ऐसा लगता है कि इन पिरामिड को एक सोची समझी योजना के अनुसार बनाया गया था।
क्योंकि पूरी पृथ्वी पर जितने भी पिरामिड्स मौजूद हैं, उन सबको एक ही समय काल में बनाया गया था। अब ये कैसे संभव है कि उस समय उनके पास ना तो ट्रैवलिंग के कोई साधन मौजूद थे और ना ही उनके पास कोई टेक्नोलॉजी थी जिससे वो पृथ्वी के दूसरी साइड मौजूद सभ्यताओं से बात कर पाते, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर जगह जगह एक ही शेप में बने पिरामिड मौजूद हैं, जिनको एक ही समय काल में बनाया गया था। ऐसा लगता है कि या तो 4,500 साल पहले उनकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी या फिर उनकी किसी दूसरे ग्रह की सभ्यता ने मदद की थी। ऐसा लगता है कि इतिहासकारों से 4,500 साल पहले की कोई ना कोई कड़ी तो छूट रही है जो आज कई अनसुलझे सवाल पैदा करती है, जिनकी गुत्थी सुलझाने में आज हम उलझे हुए हैं। ये तो हमने पिरामिड्स के परफेक्ट ज्योमेट्री और ज्योग्राफी को जाना, लेकिन पिरामिड्स के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। वैज्ञानिकों को इस बारे में जो सवाल असमंजस में डालते हैं, उनमें से पहला है कि आखिर पिरामिड्स को क्यों बनाया गया था? क्या ये मिस्रवासियों के राजाओं के मकबरे हैं? क्या इनमें उस समय खाने पीने के सामानों को संरक्षित किया जाता था? क्या ये उस समय के किसी साइंस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे? क्या ये किसी तरह के पावर हाउस थे? ऐसे सवाल तो बहुत है, लेकिन सटीक जवाब कोई भी नहीं। एक आम धारणा के अनुसार प्राचीन मिस्र में मरे हुए मनुष्यों को जलाने की प्रथा नहीं थी। वहाँ मृत शरीर को एक लेप चढ़ाकर मम्मी बनाकर कब्र में रखने का रिवाज था। उस लेप की वजह से वो हजारों सालों तक सुरक्षित रह सकते थे। दरअसल प्राचीन मिस्रवासी ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनका मानना था कि मरने के बाद भी इंसान का जीवन चलता रहता है। इसी वजह से उनके शवों के साथ वे लोग खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े, गहने, बर्तन, हथियार, जानवर, वो सारी चीजें जो जीवन यापन के लिए जरूरी होती है, वो सब उनके साथ रखते थे। ऐसा माना जाता है कि मिस्र के पिरामिड मिस्र के प्राचीन राजाओं की कब्र है जिनमें उनको मम्मी बनाकर दफनाया जाता था, और द ग्रेट पिरामिड मिस्र के राजा कुफू की कब्र है। चलिए मान लेते हैं कि मिस्र के पिरामिड वहाँ के प्राचीन राजाओं के मकबरे हैं, लेकिन सवाल ये है कि मिस्र में जितने भी हैं, उसमें आज तक किसी भी पिरामिड में कोई भी मम्मी क्यों नहीं मिली? मम्मी तो छोड़ो, वहाँ पर आज तक कोई भी ताबूत नहीं मिला। इससे तो ये साबित होता है कि पिरामिड मकबरे तो नहीं है, बल्कि वो कुछ और ही है, और उनको बनाने के पीछे और ही कुछ मकसद था। जितना ये सवाल रहस्यमय है कि आखिर पिरामिड्स को क्यों बनाया गया था, उससे भी कहीं ज्यादा रहस्यमय सवाल है कि आखिर पिरामिड्स को कैसे बनाया गया था। और इस सवाल का जवाब हमारे पास आज भी नहीं है कि आखिर पिरामिड्स को कैसे बनाया गया था, क्योंकि भव्य पिरामिड्स का निर्माण उस दौर में हुआ था जब ना तो पहिए का आविष्कार हुआ था जिससे भारी भरकम पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचाया जा सके, और ना ही उस समय लोहे जैसी किसी धातु की खोज हुई थी जिनसे बने औजारों से वो भारी भरकम पत्थरों को काट सकते और तराश पाते। लेकिन प्राचीन मिस्र वासियों ने उस समय बिना किसी धातु के औजार के उन पत्थरों को कैसे काटा होगा? मैं आपको बता दूं कि ग्रेट पिरामिड का वजन 57,50,000 टन है। आपकी तुलना के लिए बता दूं कि आज की आधुनिक इमारत बुर्ज खलीफा का वजन महज 5,00,000 टन है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना भारी है ग्रेट पिरामिड। तो दोस्तों, अब आप हमें ये बताइए कि आपको अब मिस्र के गीजा पिरामिड में कोई भी जवाब नहीं पाया है, हमें तो यहाँ पर सिर्फ सवाल ही सवाल देखने को मिला है, और वो भी रहस्य से उलझा हुआ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।